बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालु परमहंस जाजी महाराज की जय। एक रोज जनाब राय साहेब दीवान मथुरा दास जी साहेब बैरिस्टर करीबन 2 बजे रात को हाजिरे खिदमत मुबारक हुए। कुछ समय बैठने पर श्री महाराज जी ने फरमाया, किसी बादशाह का हिंदू वजीर मदिरा पान किया करता था। तमाम कर्मचारियों और मौलवियों ने बादशाह से शिकायत की कि ये शख्स ऐसे बड़े ओहदे पर आसीन है और कुल राज्य प्रबंध हाथ में है, फिर भी यह हराम शे का इस्तेमाल करता है, इसका बंदोबस्त कीजिए। बादशाह ने फरमाया कि हम गौर फरमाएंगे, और एक शब को छिपकर वजीर के मकान पर बैठ गया। वजीर साहेब ने नियत समय पर सुराही और प्याला मंगवा कर पहले एक प्याला पीना किया और बोले कि इससे तमाम दिन के काम काज की थकान दूर हो गई। फिर दूसरा प्याला पिया और बोले, जिस कदर मुआमिला मुकदमा मुतालिक रियासत है, अब वे मुझको समझने लगे और उनकी समझ आने लगी। कुछ अरसे बाद तीसरा प्याला पीकर बोले, अब मेरे तमाम संदेह दूर हो गए और मेरी अकल रोशन हो गई। उसके बाद फिर चौथा प्याला भरा, मगर यह बोला कि अब यह अकल को गुमराह करेगा, और यह कहकर प्याले को फेंक दिया। बादशाह ये हाल देखकर दिल में सोचने लगा कि ये शख्स बड़ा अकलमंद है और अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है, इसका कुल काम अख्तियारी है, और वह उसी तरह से छिपकर वापस चला आया और तमाम शिकायत करने वालों को समझा दिया कि उसका खाना पीना बतौर दवा और दारू के है, वह इंद्रियों का गुलाम नहीं। तुम लोगों को ऐसे शख्स के खिलाफ शिकायत करनी उचित ना थी। एक रोज जिक्र हो रहा था कि श्री बाबा प्रीतनाथ जी कोहाट के सत्संग के सभापति हैं, मगर सत्संग के कामों में कुछ कोशिश और सक्रियता नहीं करते। श्री महाराज जी ने सुनकर फरमाया कि किसी शहर का राजा मर गया था। लोगों ने सलाह की कि किसी धर्मात्मा साधु को राजा बनाना चाहिए, सो एक साधु को लाकर गद्दी पर बिठाल दिया। उसने गद्दी के पास ही खूंटी पर अपनी झोली टांग दी। जब राजकाज के मामला में दरियाफ्त किया गया तो फरमाया कि खूब यज्ञ और हवन दान और पुण्य करो और मौज उड़ाओ। इसी तरह से सब लोग करने लगे। राजकाज में अव्यवस्था फैल गई। यह हाल मालूम करके एक राजा ने चढ़ाई कर दी। लोगों ने साधु राजा से यह हाल अर्ज किया और प्रबंध के वास्ते हुक्म चाहा। उन्होंने फरमाया कि अभी वही काम किए जाओ और भय मुक्त रहो। जब सेना शहर के करीब पहुंच गई तब भी राजा का वही हाल रहा। आखिर राज मंदिर में विरोधी राजा पहुंच गया। उस वक्त साधु राजा ने दरियाफ्त किया कि किस तरह से आए हो।
उसने कहा कि राज लूंगा। ये सुनकर आप गद्दी से उतर पड़े और फरमाया कि तुम अपना राज लो। हमारी झोली तो ये सामने टंगी है। यह सुनकर झोली गले में डाल ली। वही हाल श्री बाबा प्रीतनाथ जी का है। उनकी झोली सलामत रहे। उनको कोशिश तन दही और इंतजामी मामलात से क्या पड़ी है। एक रोज इरशाद हुआ कि जिला कालाबाग में एक पीर साहब रहते थे। अरसा कई साल से उनकी खिदमत में एक मुलाजिम रहता था और बड़ी संतोष से उनकी खिदमत इसीलिए करता था कि उनके संगति लाभ से कुछ मुतफैज हो। मगर इतने अरसे में कोई असर उनकी सोहबत या बरकत का प्रत्यक्ष में ना आया। एक दिन पीर साहब किसी काम को बाहर तशरीफ ले गए थे तो वह नौकर पीर साहब के पलंग पर जहां मसनद लगी हुई थी बैठ गया और पीर जादे जो अभी कम उम्र थे पलंग के नीचे खेल रहे थे कि पीर साहब वापस तशरीफ ले आए। मुलाजिम को पलंग पर बैठा और पीर जादे को जमीन पर खेलते देखकर मुलाजिम पर बहुत रुष्ट होकर बोले कि तू बड़ा बेअदब है कि पीर जादे नीचे जमीन पर खेल रहे हैं और तू ऊपर पलंग पर चढ़कर बैठा है। मुलाजिम ने अर्ज की कि हजरत मुझको ये बात मालूम ना थी कि इस कदर अरसा आपकी संगति लाभ में रहकर भी मैं आपकी संगति लाभ से अल्पायु बच्चों के बराबर ना हुआ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।